कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को उठाने के लिए तारीखी पैकेज दिया। 31 दिसंबर के बाद आलमी इदारों की पाबंदियां लग जाएंगी। बिल्डर्स से दरखास्त है टैक्स छूट और दीगर मराद का फौरी फायदा उठा लें। वजीर इत्तला शिबली फराज और लेफ्टिनेंट रिटायर्ड जनरल अनवर अली की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा 5 मरले के मकान पर खरीदार को 3 लाख रुपए की छूट मिलेगी। वजीर आजम नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम से मुतालिक संजीदा है। तामीरात के शोबे के लिए कौमी राबता कमेटी तश्कील दे दी गई। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की तरक्की से पूरे मुल्क की मईशत पर असर पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है उसको उठाने के लिए जितनी फैसिलिटीज दी गई हैं उनके जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से मुतल्लिका लोग हैं कि ऐसा प्रोजेक्ट कभी आया नहीं है। सब्सिडी भी दी है और ये सब्सिडी जो है उन लोगों के लिए है कि जब वो खरीदेंगे अपना 5 मरले का या 10 मरले का मकान तो उसमें जो है उनको एक 3 लाख के करीब उनको छूट मिलेगी। यानी अगर एक घर 5 मरले का वो अगर 15 लाख का है तो उनको जो खरीदार होगा उसको 12 लाख रुपए की फाइनेंसिंग की जरूरत होगी, जिसकी वजह से उसकी जो इंटरेस्ट रेट्स हैं उसकी जो किस्तें हैं वो भी आसान हो जाएंगी। हमारी दरख्वास्त है जितने भी बिल्डर्स हैं डेवलपर्स हैं कि वो इसका भरपूर फायदा उठाएं। इसकी जो टाइम लिमिट है वो बहुत मुख्तसर है, यानी कि 31 दिसंबर तक आपने इन फैसिलिटीज को इस्तेमाल करना है। अगर आपने नहीं किया तो फिर हम पे जो इंटरनेशनल बॉडीज की जो हम पे रिस्ट्रिक्शंस हैं, पैटएफ हो गया और इस किस्म के जो इदारे हैं, ये काम फौरन करना है। ये आसान शराइत पे और आसान किस्त और इसके तरीकाकार भी आसान किया जा रहा है कि लोगों को एक्चुअली अवेलेबल हो सके। इसी तरह 10 मरले तक का जो घर बनाएगा या 10 मरले का घर जो खरीदेगा उसमें 7% अगर उसको मॉर्गेज करवाते हैं तो 7% अगेन इसमें सब्सिडी बिल्ट इन की गई है। लेकिन अब एक नई कमेटी बनाई गई है जिसका नाम नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी फॉर हाउसिंग कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट है। ऐसी बॉडी है, एक ऐसी कमेटी है कि जो जितने मसाइल हैं अप्रूवल्स रिलेटेड बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के, जितनी उनकी शिकायत हैं उनको फौरी तौर पर हल करने के लिए ये एक फोरम बनाया गया है।